रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं, जो कि मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। अपनी वर्सिटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गईं। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 400 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया, और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई 8 फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्र फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इसमें उभारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। आइए हम उनके बचपन की कुछ बातें करते हैं। रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चली। वे तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई की एलुमिनाई रही हैं। रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। रेखा ने 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। अफवाह ये भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की थी, लेकिन 2004 में सिमी गरेवाल के टीवी इंटरव्यू में रेखा ने मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेलविशर बताया। वे अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। चलिए अब हम आपको रेखा के फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे। रेखा जी बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई थी। फिल्म के एक किसिंग सीन के विवाद के चलते ये फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। उनको अभिनय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने ये किया। ये उनके जीवन का कठिन समय था। 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वे एक ग्लैमर गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया, वे थी अमिताभ के साथ 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। ये फिल्म उनके करियर का माइलस्टोन रही और फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों और जनता दोनों ने काफी सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया। उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वे एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही और रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गई।
फिल्म की काफी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1980 में वे कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का पिता बेटी का रिश्ता बन चुका था। ये फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहा गया। इससे फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही साथ रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद से अग्रणी फिल्म निर्देशकों ने रेखा को और नोटिस किया और अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की खासी रुचि दिखाई। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ आई ज्यादातर फिल्में हिट हुईं। उनका अमिताभ के साथ अफेयर मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे तो ये अफवाहें और भी बढ़ने लगी। इसके बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में वे अमिताभ और जया बहादुरी के साथ नजर आईं। फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका निभाई। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है, अपना घर भी तो भोग रही है। इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को भी काफी सुधारा। दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। जिसके लिए मीडिया में उनकी काफी तारीफ हुई। 1981 में आई उनकी उमराव जान फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही। इन आँखों की मस्ती के। और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आईं जो कि हिट हुईं। 1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट आई। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास कारोबार नहीं कर पाई और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों की एंट्री हो चुकी थी और वो काफी चर्चा में थी। इसके बाद उन्होंने कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने काफी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में दिखाई दी। 2001 में वे फिल्म लज्जा में दिखाई दी। फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में पर्दे पर आईं। तो वहीं फिल्म परिणीता में वो एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वो फिल्में बड़े पर्दे पर सफल नहीं रही। मगर आज भी रेखा की एक झलक पाने को लोग तरसते हैं और वक्त के साथ शायद सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बस रेखा की खूबसूरती नहीं बदली। इसी के साथ हम आपकी इजाज़त लेंगे। थैंक यू।